भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन हर घर तक पीने योग्य पानी पहुंचाने का वादा करता है। बिहार भी इस योजना का लाभ उठाने वाला एक महत्वपूर्ण राज्य है, परंतु जमीनी हकीकत उतनी सरल नहीं है। योजना के तहत कई गांवों में पानी की समस्या का समाधान तो हुआ, परंतु कई इलाकों में अभी भी चुनौतियों बनी हुई है। पानी भरे दूसरा कल पर जाइए, लड़का फैका बारह सब भर के धरता हम सब तक स्कूल में लेट हो जाता, गर्मी बा बहुत, कतना कल से हमने नहाइए धोआई, नल के पानी बंद हो गल बा साल दो साल हो गए तीन साल। जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन तो बिछी गई है, लेकिन पानी की नियमित आपूर्ति अभी तक सपना बनी हुई है। लोग आज भी पानी के लिए दूर दूर तक चलने को मजबूर है। स्कूल जाने वाले बच्चे पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। घर को राम नल जल जहिए से लागल बा तहिए से 6 महीना तक पानी गिरल, ओकरा बाद से बंद बा, बहुत दिक्कत बा हमनी के गरीब आदमी के, कपड़ा लाता पियल खाइल सब तो हमनी कहाँ से पैसा दे सब मोटर बनाए खातिर। भोटवा खातिर तो 10 दुआरी दौड़त आलो, गोड़ पर गोड़ लागत आलो, यही सब खातिर कौनो लोग के लगे समस्या दूर करे के टाइम नहीं। नल का पानी नहीं आता है, हम लोग स्कूल जाने में देरी होती है, स्कूल जाने से पहले पानी भर कर बाल्टी में घर पर रखना पड़ता है, पानी भर कर जाने में लेट हो जाता है तो मास्टर हमको मारते हैं। शिक्षा के आधार से तो वंचित होना इस योजना की असफलता का एक उदाहरण है। समस्या केवल पानी की आपूर्ति नहीं बल्कि इसके प्रबंध और योजना की सही निगरानी में भी है। पानी की जरूरत बा, नहाए के बाद तो पानी की जरूरत बा, खाना बनाए के बाद, बर्तन धोए के बाद, सब चीज़ तो पानी से होके के बाद, पानी बिना मर भी सकतानी सो हमनी के। जब पानी सही से हर घर तक पहुंचेगा तब ही जल जीवन मिशन वो अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाएगा। बिहार की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन लाखों गांव की है जो हर रोज़ बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं।